चलो गाइज मीठा आएगा गाइज ताकत तो इसे बोलते हैं हैप्पी लड़के गाइज स्टाइल मारते हुए वो कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिखा नहीं है गाइज देख रहे हो ताकत तो है कोई दिक्कत नहीं है चलिए मन फ्रेश हो गया माइंड फ्रेश पानी वगैरह चाहिए नहीं एक मिनट हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आपके लिए एक नया कंटेंट नया यूनिक से कंटेंट लेके आ चुके हैं और यहाँ हमारे भाई लोग आए हैं तो सोचे कि इनसे कंटेंट निकालते हैं बस खा रहे हैं सो रहे हैं तो सोचे कुछ तो करें कुछ तो काम करें तो इनसे कंटेंट निकालने के लिए इनको यहाँ पे ला चुके हैं और इनके अंदर क्या क्या राज छुपा हुआ है और देखते हैं इनके अंदर कितनी डेयर है यानी कि हिम्मत है हमारे भोजपुरी में बोले तो ताकत निकालना है बाहर सबका अच्छा बहन के लेने दो छुपा हुआ प्यार आने का छुपा हुआ प्यार निकालना है तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये बॉटल फ्लिप होगा जिसके तरफ आएगा उससे दो सवाल पूछा जाएगा ट्रूथ या डेयर ठीक है जो डेयर मांगेगा भाई डेयर तो भाई हम लोग भाई अलग लेवल का डेयर देंगे उसमें तो कोई शक नहीं है उसके अलावा आपका यहाँ पे रह गया ट्रूथ तो ट्रूथ में भाई सबसे पहले तो मां कसम खाना है हम पे भाई किसी को विश्वास नहीं है हमको किसी पे विश्वास नहीं है भाई मैं कसम नहीं खाऊंगा मैं मम्मी कसम नहीं खाऊंगा मम्मी कसम नहीं क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला ओवर एक्टिंग की औलाद अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह सबसे पहले मां कसम खाना है उसके बाद हम लोग कुछ भी तुरंत पूछेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए इस वीडियो को ठीक है तो फर्स्ट फ्लिप कौन करेगा फर्स्ट फ्लिप चलो गाइज ये वाला पार्ट इनके तरफ आ चुका है तो बताइए आपको ट्रुथ या डेयर डेयर तो गाइस यहाँ पे हिम्मत करते हुए देखते हैं इनके अंदर कितना हिम्मत है तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं है मिर्चा खिलाने तो दो हरा मिर्च ज्यादा कुछ नहीं सही रहेगा गाइस आप लोगों के सामने दो ग्रीन चिल्ली यानी कि हरा मिर्च आ चुका है सोचा कि लाल पाउडर पिला दे लेकिन वो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा यहाँ पर तो कम लेकिन बाथरूम में जाके ज्यादा खतरनाक साबित होगा तो उसके लिए एक दो ग्रीन चिली आ गया है ये लीजिए और हाँ एक मिनट तक पानी नहीं पीना है सबसे पहले आपका डेयर ये रहेगा चलो अब खाओ दोनों एक साथ खा लो यार एक पहले तो खाने दे यार कम से कम मीठा आएगा गाइस ताकत तो इसे बोलते हैं हैप्पी लड़के गाइस स्टाइल मारते हुए वो कुछ देर के बाद पता चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिखा नहीं है गाइस देख रहे हो गाइस ताकत तो है कोई दिक्कत नहीं है चलिए मन फ्रेश हो गया माइंड फ्रेश पानी वगैरह चाहिए नहीं एक मिनट हम टाइम देख रहे हैं पानी चाहिए इंसानियत के नाते थोड़ा सा हम खाते और पानी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो सेकंड फ्लिप की तरफ आ चुके हैं देखते हैं किसके तरफ कौन सा आता है ये तो मेरे पे ही पड़ चुका चलिए चलिए आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ट्रुथ अब देखते हैं इन लोग के अंदर क्या सवाल छुपा हुआ है कुछ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कोई भी आप पूछे अभी मेरे को बहुत तीखा लगा है मिर्च खिला दिया इन लोगों ने भाई मेरा दिमाग पूरा हिल चुका है कि बार में अंदर से चलो भाई आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बता दो लास्ट वाली को छोड़ दो मेरी तभी तक तो एक ही एक्स रही है अच्छा बहन के लेने एक्स क्या बोलते हैं कमिटेड हुए ही नहीं लेकिन एक लड़की पसंद आई थी 8th क्लास में उसके बाद 9th 10th भाई इसके ऊपर आप लोगों के पास अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है काफी इंटरेस्टिंग कहानी है तो उसका नाम था मैं बता देता हूं अभी ठीक है जो होगा देखा जाएगा गाइस मेरा तो ट्रुथ कंप्लीट हुआ अब देखते हैं अगला फ्लिप पे कौन फंस रहा है बाउंड्री के बाहर नेक्स्ट फ्लिप नहीं
चलो भाई छुपाने के लिए डेयर करेंगे। गट्स तो है, देखते हैं आया क्या सीन है। तो बताइए किससे रिलेटेड सवाल पूछा जाए। हम लोग तीन जन राय करते हैं, ये तो सवाल इनसे पूछना है। एक से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड या कितने लोगों को धोखा दे चुके हैं क्या पूछा जाए। शादी से रिलेटेड इससे पूछ रहे सवाल, शादी से रिलेटेड इनका या इनके एक्स का नहीं हम पूछते हैं, हम तो आप पूछते हैं इनके इनके एक्स के बारे में पूछे, क्योंकि इनकी मैंने मुझे पता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पहले मुझे पता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी बट उसकी तो शादी हो गई है, तो उसकी शादी के बारे में कुछ पूछते हैं इससे तो अच्छा रहेगा। गाइस तो एकदम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, आपकी जब एक्स का शादी हो रहा था ठीक है, मैंने वीडियो कॉल किया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई देख तो आपको उस वक्त कैसा फीलिंग था, जैसे मैं कि एक होता है ना कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि भाई वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है पॉसिबल नहीं, अगर ये चाहते तो हो सकता था लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, तो उस वक्त आपको क्या फीलिंग था कि मैं काश कमाता या अच्छे खासे नौकरी पे रहता तो फिर बोलता कि हाँ ताकि हाँ मैं शादी करूँगी जो होगा देखा जाएगा इसकी मायने, तो उस वक्त आपका क्या फीलिंग था। फीलिंग मुझे यही था, मैं तो बहुत दुखी था बट कोई बात नहीं, मेरा दोस्त मेरा सहारा बना उस रात, नहीं थी उस रात क्या दिया गाइस क्या बात है, पता है आपको ये जो सारा था ना ये बाहर दिल्ली में था और मैं गांव में था, सारा गांव में शादी हो रही थी, मैं इसके साथ कैसे आ गया तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है, अभी बोल रहा है एक से डेर ये झूठ बोल रहा है गाइस, ये क्या ये क्या है, साथ रात बिताया उस दिन बहुत हेल्प किया मुझे बहुत, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठ बोल रहे हैं गाइस, रात बिताना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर वन नाइट स्टे, मैं तो बहुत उदास था बट सब इसकी मेहरबानी है कि इसने मेरे साथ एक रात बिताया, हाँ, और काफी खुशनुमा रात हुआ, बहुत खुशनुमा रात हुआ, मजा बहुत आया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब 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 के सब झूठ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हो सकता है वीडियो कॉल पे वन नाइट स्टैंड हुआ होगा तो हो सकता है ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए भाई हम नहीं खेलेंगे गाइज, तो चलिए नेक्स्ट बॉटल फ्लिप की तरफ आते हैं, ये अब की बार कौन फंसता है देखते हैं वो गाइज इनकी फट चुकी है, आइए सर अभी बैठ जाइए, जो आपको पता है आपको पता है इसकी तो पहले ही सी गांड फट चुकी है सर, अब उठ के भागने वाला है ये, करो मैं करूंगा रुक जाओ वन सेकंड, अरे यार सिट यार इसके तरफ चला गया यार, देखो जलता है मेरे से जलता है, थ्रू डेयर अब की बार डेयर कंप्लीट करेगा, डेयर करोगे हां डेयर दीजिए लो, डेयर करना है तो यहाँ पे डांस करना पड़ेगा, हाँ आपको डांस करना पड़ेगा 15 सेकंड तक डांस करना पड़ेगा, हाँ भोजपुरी गीत आ गया है, अब मैं भोजपुरी सॉन्ग स्टार्ट करने वाला हूँ, अब ये डांस करेंगे 15 सेकंड, खूबसूरत भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भाई कम से कम 50 लाइक कर दो और हाँ कमेंट जरूर कर देना, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।